अच्छा जी, तो ये मैंने इसके जो ऊपर से इसको नाइफ़ की मदद से जो है इसका जो एलुमिनियम कवर था मैंने उसको ओपन कर लिया है। तो ये देखें, ये जो है तकरीबन मतलब ऊपर से कोई 3 इंच जो है वो खाली है। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या क्लेम करते हैं। ये कहते हैं कि इसमें जो है मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन हैं, और प्लस में जो है वो फॉर्मूलेशन टेस्टेड है, ठीक है, अप्रूव लेब से। और इसको बनाने का तरीका है कि आपने पहले जो है 1 गिलास पानी यानी कि 195 ml जो है तकरीबन आपने गरम कर लेना है। फिर उसमें जो है सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि ये कहता है कि आपने फिर इसमें 6 स्पून जो है वो जो स्कूप हैं इसके अंदर वो पाउडर के ऐड कर लें। तो और फिर उसके बाद उसको हमने शेक करना है और हमारा मिल्क जो है वो तैयार है। तो मैं 6 स्पून तो नहीं, लेकिन मैं इसमें ऐड करती हूँ 4 स्कूप्स। ये मैंने पानी जो है थोड़ा गरम कर लिया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये मिनरल वाटर है तो जस्ट, और आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 4 स्कूप, ठीक है, ये इसी के साथ ही आया था। हाँ जी, तो मैंने 4 स्कूप्स इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको डिसॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा है पीने में, मतलब आइदर इंश्योर जैसा है या फिर किस तरीके से है। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये जस्ट मैंने ख़ुद ट्राई किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी इसके रिव्यूज़ कर लूँ। जो जो लोग अगर इंश्योर मिल्क पी रहे हैं और उसके बाद अगर वो कोई मिल्क रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो अच्छा जी, तो मैं अब इसका ट्राई करने लगी हूँ। और ये मैंने एक सिप लिया है, लेकिन जनाब इसका टेस्ट बहुत बहुत मतलब अजीब सा, मैं नहीं बता सकती। जिस तरह से ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज़ जो है सिल्वर के बर्तन में बहुत टाइम के लिए रख दी है और फिर हम वो पी रहे हैं, मतलब बड़ा गंदा सा टेस्ट आ रहा है इसका। तो मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि अब ये मैंने बाय भी कर लिया है, और लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग इसको जो है बाय करें, क्योंकि इसका मिल्क का टेस्ट जो है वो बड़ा अजीब सा है। चलें अब एक काम करते हैं कि मैं इसमें, क्योंकि मेरा फेवरेट जो सिरप है, शरबत है, वो है क्विस। तो अक्सर ये होता है कि जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता मिल्क पीने का तो मैं इसमें थोड़ा बहुत क्विस या रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेती हूँ। चलें जी, तो अब हम इसमें ऐड करके देखते हैं थोड़ा सा क्विस सिरप। जस्ट मैंने कोई 1 स्पून के अकॉर्डिंग जो इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये ज़रा गर्म भी लग रहा है, तो मैं इसको स्टील के जो मेरे पास मग है मैं उसमें शिफ्ट करती हूँ। अच्छा जी गाइस, मैंने इसको जो स्टील का मेरे पास मग है उसमें शिफ्ट कर दिए ताकि मैं इसको थोड़ा ठंडा करके और फिर पीऊँ, और फिर देखते हैं कि अब किस तरह से इसका फ्लेवर आ रहा है। बहुत बहुत बुरा लग रहा है। आई थिंक मुझे तो ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा और ना ही मुझे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा लग रहा है। बाकी अपने अपने पसंद की भी बात है, और लेकिन जो है मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी। उससे अच्छा तो ये है कि हम सिंपल बाज़ार से मिल्क लेके और उसी को ही पी लें, या फिर जो लोग इंश्योर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनको कहूँगी कि वो फिर इंश्योर का ही फ्लेवर लें, अगर चाहे वो पहले से इंश्योर यूज़ कर रहे हैं।
तो आज की जस्ट मेरी जो वीडियो थी वो इस लिविटी मिल्क के बारे में थी, पाउडर मिल्क के बारे में, बैलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बल्कि ये मिल्क भी नहीं लिखा हुआ लेकिन हम इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मिल्क जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि आप जो है ये ले लें और इसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था और थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में या किसी रिव्यू में और डेली व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।